तो चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज के सब्जी हम लोग का टॉपिक होगा साक्षरता पर निबंध। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप किसी दूसरे टॉपिक से जुड़े निबंध का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करते हैं। देखिए, साक्षरता मानव की प्रगति और विकास का मूल मंत्र है। अनपढ़ और निरक्षर व्यक्ति अपना ही भला नहीं कर सकता तो समाज और राष्ट्र के किस काम आएगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्व हमारे देश की जनसंख्या में अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु सरकार के अधिक प्रयासों से आज समाज हर व्यक्ति को शिक्षित करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट में, घर घर और गांव गांव शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे हर व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में उन्नति हो। वो अंगूठा छाप न रहे, उसे कोई ठग न सके। हर वर्ग का व्यक्ति अपनी अच्छाई बुराई समझे और अपनी दैनिक दिनचर्या में सूझबूझ के साथ फैसले ले। उसकी दृष्टि का विस्तार हो, उसे अंधविश्वासों और शोषण से मुक्ति मिले। शिक्षा एक वरदान है तो निरक्षरता एक अभिशाप है। आज चल विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित कर हमेशा हमारे देश के कई राज्यों में 100% साक्षरता के लक्ष्य को पा लिया गया है, किंतु इस क्षेत्र में अभी बहुत अधिक प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। वह दिन कितना महत्वपूर्ण होगा जब हर व्यक्ति, हर भारतीय शिक्षित होगा। हम सबको इस दिशा में भरपूर सहयोग देना चाहिए। यह था हम लोग आज का टॉपिक साक्षरता पर निबंध। इस तरह और वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक का वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर।